अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टार टेक्नोलॉजी 5G। आज की वीडियो में हम 8051 के साथ EEPROM इंटरफेस करके चेक करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। एन EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज ए नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी विच हैज कैपेबिलिटी टू रिटेन डेटा इवन इफ द पावर इज रिमूव्ड। जो EEPROM होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, जो के डाटे को सप्लाई के बगैर भी स्टोर कर सकती है। जैसा कि आपको पता है, जैसे कंप्यूटर के अंदर रैम मेमोरी होती है, जो भी डाटा रैम के अंदर होता है, जैसे कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं या पावर लॉस होती है तो वो डाटा सारा लॉस हो जाता है। लेकिन जो EEPROM होती है, ये इसके अंदर जो भी डाटा स्टोर कर दिया जाता है ये उसके अंदर परमानेंटली स्टोर रहता है। इवन के पावर को रिमूव भी कर दें तो ये उसमें से डाटा रिमूव नहीं होता। 8051 के साथ लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि 8051 के अंदर बड़ी लिमिटेड मेमोरी होती है। अगर हमें कोई भी डाटा स्टोर करना पड़ जाए तो हम उससे EEPROM के अंदर स्टोर कर सकते हैं, और जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ी हम उसको EEPROM से डाटे को रीड कर सकते हैं। हम जो अपने प्रोजेक्ट में EEPROM यूज़ करेंगे वो ये वाली है, EEPROM IC24C04। इट हैज़ ए मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 4 KB। द मेमोरी इज डिवाइडेड इंटू 32 पेजेस with each page contain 16 bytes. 24C04 is an 8-pin IC. The module communicate with the microcontroller using a serial communication protocol card 12C. ये 24C होती है, ये 4 KB की मेमोरी होती है। ये देखिए, ये इस तरह का एक पेज होता है जिसको 32 पेज में डिवाइड किया जाता है, और हर पेज के अंदर हम 16 byte डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ये एक 8-pin का IC होता है। ये देखिए, जैसे दिखाया गया, इसमें 2 सप्लाई की पिनें हैं, ये 2 डाटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं, और ये इसकी पिन्स दूसरे फंक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। ये जो कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल यूज़ करता है ये 12C का प्रोटोकॉल होता है। ये देखिए, ये EEPROM की टाइमिंग डायग्राम है। ये देखिए, ये SCL पिन और STA पिन, इसको सबसे पहले डाटा रीड या राइट करने के लिए एक स्टार्ट कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये देखिए, स्टार्ट कंडीशन में SCL को लो से हाई एक बिट प्रोवाइड की जाती है, जबकि SDA को हाई से लो बिट प्रोवाइड की जाती है। और उसके बाद ये देख सकते हैं, अगर डाटा हमने आउट करना है तो ये SCL को एक हाई बिट प्रोवाइड की जाती है, और SDA से हम डाटा आउट ले सकते हैं। और अगर हमने डाटा राइट करना है तो ये देखिए, SCL को एक हाई बिट प्रोवाइड की जाती है, जबकि SDA से हम डाटा ये रीड कर सकते हैं। ये देखिए, स्टार कंडीशन में एक प्रोवाइड की जाती है डाटा रीड या राइट करने के लिए, और उसके बाद एंड पर एक स्टॉप कंडीशन भी प्रोवाइड की जाती है कि हमारी कम्युनिकेशन EEPROM के साथ फिनिश हो गई है, अब हमें डाटा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, कोई भी हमने डाटा अगर रीड करना है या राइट करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले इसको एक स्टार्ट कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और जब हमारा काम EEPROM के साथ फिनिश हो जाएगा उसके एंड पर एक स्टॉप कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। स्टार्ट कंडीशन। स्टार्ट इज आइडेंटिफाई बाय हाई टू लो ट्रांजिशन ऑफ द STA लाइन वाइल द क्लॉक SCL इज स्टेबल इन हाई स्टेट। अ स्टार्ट कंडीशन मस्ट प्रीसीड एनी कमांड ऑफ द डेटा ट्रांसफर एक्सेप्ट ड्यूरिंग अ प्रोग्रामिंग साइकिल। द ST20C and 25 continuously monitor the SDA and SCL signal from a start condition and will not respond until one is given. ये देखिए, जो start condition होती है, ये इस memory को read या write कुछ भी करने के लिए सबसे पहले हमें start condition provide करनी पड़ती है। अगर start condition provide नहीं करेंगे, direct इसको data command write कर देंगे या data command read की command देंगे, तो इससे data को हम read या write नहीं कर सकते। इसलिए इसके साथ काम करने के लिए सबसे पहले इसको स्टार्ट कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, और एंड में एक स्टॉप कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। द स्टॉप इज आइडेंटिफाइड बाय अ लो टू हाई ट्रांजिशन ऑफ द SDA लाइन वाइल द क्लॉक इज स्टेबल इन द हाई स्टेट। इस स्टॉप कंडीशन टर्मिनेट कम्युनिकेशन बिटवीन द ST2425 एंड द बस मास्टर। ए स्टॉप कंडीशन एट एंड ऑफ द रीड कमांड आफ्टर एंड ओनली आफ्टर नो एक्नॉलेज फॉर स्टैंड बाई स्टेट। अ स्टॉप कंडीशन एट द एंड ऑफ द राइट कमांड ट्रिगर द इंटरनल EEPROM राइट साइकिल। ये देखिए, अगर हम उसको स्टार्ट कंडीशन के बाद स्टॉप कंडीशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये स्टैंड बाई मोड पर रहेगी, और जो भी होगा डाटे को ये रीड करने के मोड में रहेगी। इसलिए इसको
कोई भी डाटा रीड या राइट करने के लिए स्टार्ट या स्टॉप कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। एंड पे एक नॉलेज बिट होती है। एंड एक्नॉलेज सिग्नल इज यूज टू इंडिकेट ए सक्सेसफुल डाटा ट्रांसफर। द बस ट्रांसमिट आइदर मास्टर और स्लेव वाई रिलीज द एसटीए बस आफ्टर सेंडिंग 8 बिट ऑफ डाटा ड्यूरिंग द 9th क्लॉक पल्स पीरियड ऑफ द रिसीव पल्स द एसटीए बस लो टू एक्नॉलेज द रिसेप्शन ऑफ द 8 बिट ऑफ डाटा। देखिए हर 8 बिट सेंड करने के बाद हमें एक एक्नॉलेज की बिट सेंड करनी पड़ती है जो कि इस बात की इंडिकेशन होती है कि डाटा सेंड या रिसीव हो चुके हैं। यह राइट मोड, कोई भी डाटा राइट करने के लिए हमें ये कुछ स्टेप करने पड़ते हैं। सेंड द स्टार्ट कमांड फ्रॉम द मास्टर, मास्टर जो होगा वो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होगा। सेंड रजिस्टर एड्रेस इन ईप्रोम वेयर वी हैव टू एक्सेस, उसके बाद हमें एक रजिस्टर का एड्रेस करना पड़ेगा कि हमने कौन से पेज पे डाटा सेंड करना है। सेंड डाटा टू द ईप्रोम, उसके बाद डाटा सेंड करना पड़ता है ईप्रोम को। इफ़ यू वांट टू सेंड मोर डाटा 1 bytes, keep sending that bytes. Finally send the stop command. उसके बाद अगर आपने और डाटा सेंड करना तो उसको डाटा सेंड कर सकते हैं और एंड पे एक स्टॉप की कमांड सेंड करनी पड़ती है। रीड मोड, रीड मोड में भी सबसे पहले हमें एक स्टार्ट कमांड सेंड करनी पड़ती है। सेंड द स्टार्ट कमांड फ्रॉम द मास्टर, मास्टर हमारा इधर माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर से हम पहले एक स्टार्ट की कमांड सेंड करेंगे। सेंड रजिस्टर एड्रेस इन ईप्रोम वेयर वी हैव टू एक्सेस, उसके बाद हमें रजिस्टर का एड्रेस सेंड करना पड़ता है ईप्रोम में भी हमने कहाँ से डाटा रीड करना है। सेंड डिवाइस एड्रेस विद रीड मोड, और उसके बाद फिर एक रीड डाटा की कमांड सेंड करनी पड़ती है जिससे डाटा रीड होता है। रीड द डाटा फ्रॉम द ईप्रोम और फाइनली सेंड ए स्टॉप कमांड। इन अवर प्रोजेक्ट फर्स्ट वी विल राइट डाटा इन to EEPROM, then we will read data from the EEPROM and display on the LCD. हम अपने प्रोजेक्ट में EEPROM के अंदर डाटा राइट करेंगे, एक माइक्रो कंट्रोलर के साथ हम EEPROM लगाएंगे, उसके अंदर डाटा राइट करेंगे, उसके बाद ये डाटा हम रीड करके एक LCD के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। स्कीमेटिक डायग्राम, ये स्कीमेटिक डायग्राम है जो अभी हम प्रोटीस में बनाएंगे। ये देखिए एक पोर्ट नंबर 2 पे एक LCD लगाई गई है, ये LCD की डाटा की पिन है। 31 और 40 के बाद पॉजिटिव सप्लाई है, 20 नंबर ग्राउंड है, 9 नंबर पे रीसेट सर्किट बना के लगाया गया, 18 और 19 पे क्रिस्टल कनेक्ट है, और ये पिन नंबर 10 और 11 ये EEPROM के साथ इंटरफेस की गई है। ये देखिए EEPROM के साथ ये दो हमें पुल अप रजिस्टर लगानी पड़ती हैं। ये STA और SCL ये दो डाटा की पिन है, ये दो इसकी ग्राउंड की पिन है, 8 नंबर और 4 नंबर ग्राउंड और 8 नंबर VCC है, ये बाकी पिनों को ग्राउंड किया जाता है। तो चलिए इसका सर्किट पर प्रोड्यूस में बनाते हैं, उसके बाद KL में से कोड लिख के इसको टेस्ट करेंगे। Thank you.
ये देखिए फ्रेंड्स, सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए इसका कोड केएल में लिखते हैं, उसके बाद इसको टेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्केल का मेन पेज मेरे पास ओपन हो चुका है। ये कोड मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सबसे ऊपर 8051 की हेडर फायर है, उसके बाद LCD पोर्ट 2 पर डिफाइन की गई है, उसके बाद एसपीड STA 3.1 के साथ कनेक्ट है और एसपीड SCL 3.0 के साथ कनेक्ट है। यही प्रॉम्प्ट की दोनों पिन है। ये LCD कमांड का फंक्शन है, ये LCD डाटा का फंक्शन है, ये LCD इनिशियलाइज, ये सेंड डाटा का, MS डिले और यहाँ से ई प्रोम के फंक्शन स्टार्ट होते हैं। ये ई प्रोम स्टार्ट कंडीशन, ये स्टॉप कंडीशन, ये एक्नॉलेज की, ई प्रोम सेंड डाटा, ई प्रोम रीड डाटा, ई प्रोम राइट बाइट्स और ई प्रोम रीड बाइट्स और ये एंड पे दो एक वेरिएबल डिफाइन किया गया। ये LCD के तमाम फंक्शन मैं आपको LCD के लेक्चर के अंदर डिफाइन कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी वीडियो तो आप मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये ई प्रोम के फंक्शन के बारे में डिफाइन करूँगा। ये देखिए यहाँ से मेन कोड शुरू होगा। मेन कोड में ये डाटा है स्टार टेक्नोलॉजी, इसको हम ई प्रोम के अंदर राइट करेंगे, उसके बाद डिले करेंगे LCD इनिशियलाइज को कॉल करेंगे और यहाँ से ये डाटा ई प्रोम के अंदर ये राइट करेंगे पहले, उसके बाद ये डाटा हम यहाँ से रीड करके LCD के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। ये देखिए डाटा राइट करने के लिए ये 15 करेक्टर हैं, इसको फोर लूप के अंदर यूज़ किया गया आई को और ये 15 बार इसको राइट बाइट को कॉल करेगा और ये डाटा उसके अंदर राइट करेगा। और उसके बाद नीचे ये 15 करेक्टर रीड करने के लिए ये LCD के अंदर ये ई प्रोम से डाटा रीड करके उसको LCD के ऊपर डिस्प्ले करेगा और एंड पे आके यहाँ पे स्टे करेगा। ये देखिए ये LCD का डाटा का फंक्शन है, ये LCD कमांड का फंक्शन है और ये LCD इनिशियलाइज का, ये डिले के दो फंक्शन है और ये ई प्रोम स्टार्ट की कंडीशन है जो अभी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। स्टार्ट कंडीशन में सबसे पहले हम SCL को 0 करेंगे, STA को 1 करेंगे, डिले करेंगे 30 माइक्रोसेकंड का, SCL को 1 करेंगे उसके बाद दोबारा एक डिले करेंगे, STA को 0 करेंगे, डिले करेंगे, SCL को फिर 0 कर देंगे। ये स्टार्ट कंडीशन होगी, उसके बाद ये स्टॉप कंडीशन है, SCL को 0 करेंगे, डिले करेंगे, STA को 0 करेंगे, डिले करेंगे, SCL को 1 करेंगे, डिले करेंगे और उसके बाद STA को 1 करेंगे। ये स्टार्ट और स्टॉप कंडीशन के दो फंक्शन है। उसके बाद एक्नॉलेज का फंक्शन है, STA को 0 करेंगे, डिले करेंगे, SCL को 1 करेंगे, डिले करेंगे, SCL को 0 करेंगे और STA को 1 करेंगे। ये EEPROM डाटा सेंड करने के लिए ये फंक्शन है, उसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया गया डाटे का, उसके बाद अनसेंड 4 एक और वेरिएबल डिफाइन किया गया, उसको फोर लूप के अंदर यूज़ किया गया, ये <8 है। उसके बाद STA को इक्वल किया, ये जो भी डाटा ई प्रोम में हम सेंड करना होगा ये डाटे के अंदर आएगा, डाटे को हम STA के इक्वल करेंगे और इसको 0x80 ये हेक्स वैल्यू है जिसको बाइनरी कोड ये वाला बनता है, उसके साथ एंड ऑपरेट करेंगे और जिसकी जो लास्ट की बिट होगी वो हम STA को सेंड करेंगे, SCL को 1 करेंगे, उसके बाद SCL को 0 करेंगे और डाटा को 1 बिट से रोटेट करेंगे। ये इस तरह 1 बाई 1 जो भी डाटा आएगा
ये वन बाय वन इस तरह इससे एंड से ऑपरेट होगा और उसको एसडीओ के अंदर सेंड हो जाएगा। उसके बाद अनसेंड चार ईप्रोम रीड का एक फंक्शन है, उसके अंदर भी हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया गया आई के नाम से और एक वेरिएबल डिफाइन किया गया डाटा के नाम से। डाटा में इनिशियल में ज़ीरो है, आई को हमने फोर लूप में यूज़ किया है, आई की वैल्यू लेस देन एट है। उसके बाद डिले किया है, एस सी एल को वन किया है, डेटे को एस टी ए के साथ ऐड किया है और आई को इफ आई लेस देन सेवन है तो ये डेटे को वन से शिफ्ट करेगा और एस टी एल को ज़ीरो करेगा। इसलिए इस तरह ये एट स्टेप के अंदर जो भी डाटा इसके अंदर ईप्रोम के अंदर होगा वो इसको रीड करके डाटा के अंदर डालेगा और यहाँ से ये डाटा शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही आई की वैल्यू ज़ीरो पर आएगी ये इस लूप से निकल जाएगा और डाटे को रिटर्न करेगा और इस ईप्रोम से हमें रीड से रिटर्न में डाटे पे डाटा मिल जाएगा। ये उसके नीचे एक वाइड ईप्रोम का एक फंक्शन है, इसके अंदर हमने तीन वेरिएबल डिफाइन किए गए अनसेंड चार डाटा एड्रेस और पेज। ये डाटा के अंदर हम डाटा सेव करेंगे, एड्रेस के अंदर जो भी डिवाइस का एड्रेस है वो सेंड करेंगे और पेज के अंदर पेज नंबर सेंड करेंगे। डाटा राइट करने के लिए सबसे पहले ये देखिए स्टार्ट कनेक्शन को कॉल करेंगे, उसके बाद 0x0 है और पेज नंबर सेंड करेंगे यहाँ से। उसके बाद ईप्रोम सेंड के अंदर एड्रेस जो भी एड्रेस होगा किस पेज के अंदर कौन सी लाइन के ऊपर हमने डाटा राइट करना है उसका एड्रेस सेंड करेंगे। उसके बाद ये ईप्रोम सेंड से ये डाटा सेंड करेंगे और एंड पे ईप्रोम को एक स्टॉप की फंक्शन सेंड करेंगे और एंड पे एक डिले करेंगे। उसके नीचे अनसेंड चार ईप्रोम रीड बाइट का एक फंक्शन है, जिसके अंदर भी हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए गए हैं एड्रेस के नेम से और पेज के नेम से। उसके नीचे अनसेंड चार एक और वेरिएबल डिफाइन किया गया डाटा के नेम से। ईप्रोम को सबसे पहले हम स्टार्ट की कंडीशन सेंड करेंगे, ईप्रोम सेंड में इसका पेज नंबर सेंड करेंगे, उसके बाद ईप्रोम एड्रेस का सेंड करेंगे कौन सी लोकेशन से हमने डाटा रीड करना है, स्टार्ट कंडीशन सेंड करेंगे और ईप्रोम को पेज का नंबर सेंड करेंगे और ये डाटा में ईप्रोम से रीड करके जो भी डाटा होगा उसको डाटा के अंदर स्टोर करेंगे और एंड में ईप्रोम को स्टॉप की कंडीशन कॉल करेंगे और एंड पे एक डिले करेंगे और ये डाटा रिटर्न करेंगे। तो चलिए इसको कंपाइल करते हैं। 0 error 0 warning हेक्स फाइल जनरेट करेंगे। कंट्रोलर के बटन पर क्लिक करेंगे, हेक्स फाइल को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, ओके और यहाँ से रन सिमुलेशन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए स्टार टेक्नोलॉजी उसने राइट कर दी है। अगर हम यहाँ से डाटा चेंज करना चाहें वेलकम, ये देखिए ये सबसे पहले ये डाटा राइट करेगा 1 2 3 4 5 6 7। ये भी हमने फोर लूप 7 times रन करनी पड़ेगी, इसी तरह ये 7 times यहाँ से रीड करनी पड़ेगी। अब देखिए वेलकम ये पहले राइट करेगा ईप्रोम के अंदर, फिर ईप्रोम से डाटा रीड करके ये एलसीडी को सेंड करेगा। एक्स वाई जनरेट करते हैं, इसको स्टॉप करेंगे, कंट्रोलर पे डबल क्लिक करेंगे, देखिए अभी इसने वेलकम राइट कर दिया है। फ्रेंड्स अगर आपका कोड में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।